प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जनवरी को लक्षद्वीप का दौरा किया और द्वीप समूह और स्नॉर्कलिंग में समय बिताते हुए अपनी तस्वीरें साझा की। ये तस्वीरें वायरल हो गईं और कई लोगों ने उनकी तुलना मालदीव से की और इसे मालदीव से बेहतर पर्यटन स्थल बताया, जिसके बाद मालदीव के मंत्रियों ने इस मामले को लेकर विवादित पोस्ट किया। मालदीव की सरकार ने अपने 3 मंत्रियों मरियम शिउना, मालशाह शरीफ और महजूम माजिद के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। इस मुद्दे को भारत ने मालदीव की मोहम्मद मुइजू सरकार के समक्ष मजबूती से उठाया। माले में भारतीय उच्चायुक्त ने मंत्री की टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई तो मुइजू सरकार बैकफुट पर आ गई। मालदीव ने तीनों मंत्रियों के आपत्तिजनक बयान से खुद को दूर करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया। मालदीव की सरकार की ओर से तुरंत लिए गए इस एक्शन के पीछे बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है कि मुइजू सरकार इस मामले को तूल देना नहीं चाहती, क्योंकि इसका असर उसकी इकोनॉमी पर पड़ सकता है। आपको बता दें कि मालदीव की अर्थव्यवस्था अपने टूरिज्म पर बहुत ज्यादा निर्भर है, जो कि विदेशी मुद्रा आय और सरकारी राजस्व का बड़ा सोर्स है। टूरिज्म सीधे तौर पर मालदीव के GDP का लगभग 1/4 हिस्सा है और परोक्ष रूप से GDP का बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर रोजगार की बात करें तो मालदीव के लोगों के लिए पर्यटन ही सबसे बड़ा आधार है। रोजगार में टूरिज्म का योगदान 1/3 से अधिक है। भारत से भारी संख्या में टूरिस्ट मालदीव जाते हैं। साल 2018 में भारत से इतने ज़्यादा सैलानी मालदीव पहुँचे थे कि भारत मालदीव में टूरिस्ट आगमन का 5वां सबसे बड़ा सोर्स था। महामारी से प्रभावित मालदीव के लिए भारत सबसे बड़ा बाजार बनकर साल 2020 में उभरा, जिसमें लगभग 63,000 से ज़्यादा भारतीयों ने मालदीव का टूर किया था। 2021 में भारत से 2,91,000 और 2022 में भारत से 2,41,000 से भी ज़्यादा भारतीय पर्यटकों ने मालदीव की यात्रा की। मालदीव के बाजार में भारत 14.4% हिस्सेदारी के साथ टॉप पर रहा था। बात करें साल 2023 की, तो पिछले साल भी भारत से 1,90,000 से ज़्यादा पर्यटक मालदीव पहुँचे। भारत 11.1% बाजार हिस्से के साथ मालदीव के लिए दूसरा प्रमुख स्रोत बाजार रहा। साल 2021 में मालदीव के तीसरे सबसे बड़े व्यापार भागीदार के रूप में उभरा भारत। मालदीव से भारत मुख्य रूप से स्क्रैप धातुएं आयात करता है। वहीं भारत मालदीव को विभिन्न प्रकार के इंजीनियरिंग और औद्योगिक उत्पाद जैसे फार्मास्यूटिकल्स, रडार उपकरण, रॉक बोल्डर, सीमेंट निर्यात करता है। इसके साथ ही कृषि उत्पाद जैसे चावल, मसाले, फल, सब्जियां और पोल्ट्री उत्पाद भी भारत निर्यात करता है। यही वजह है कि विवादित टिप्पणी के बाद मालदीव की सरकार ने तुरंत अपने मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई की। मालदीव की सरकार के मंत्रियों की विवादित टिप्पणी पर भारत ने आपत्ति जताई तो मालदीव सरकार की भी प्रतिक्रिया सामने आई। मुइजू सरकार ने कहा कि ये राय व्यक्तिगत है और मालदीव सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। साथ ही कहा कि उसका मानना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग लोकतांत्रिक और जिम्मेदार तरीके से किया जाना चाहिए और ऐसे तरीकों से जिससे नफरत और नकारात्मकता न फैले और मालदीव और उसके अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के बीच घनिष्ठ संबंधों में बाधा न आए। इसके साथ ही चेतावनी दी कि सरकार के संबंधित अधिकारी ऐसी अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में संकोच नहीं करें। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।